विश्व विख्यात केदारनाथ धाम की इस बार की यात्रा ने नया कीर्तिमान रचा है। पहली बार केदारनाथ यात्रा के इतिहास में एक यात्रा सीजन में 15 लाख यात्री केदारनाथ धाम पहुंचे हैं। अभी भी 10 दिन की यात्रा शेष बची हुई है। वहीं दूसरी ओर इन दिनों केदारनाथ धाम में मौसम साफ हो गया है। चटक धूप में केदारनाथ धाम की बर्फीली पहाड़ियाँ चांदी की तरह सफेद चमक रही है। कोरोना महामारी के 2 साल के बाद विधिवत शुरू हुई केदारनाथ धाम की यात्रा ने नया कीर्तिमान रच दिया है। यहाँ यात्रियों के पहुँचने से जहाँ एक नया रिकॉर्ड बना है, वहीं स्थानीय लोगों को रोजगार के अवसर भी प्राप्त हुए हैं। धाम की पैदल और हेलीकॉप्टर यात्रा विधिवत संचालित हो रही है। बाबा केदार के दर्शनों के लिए यात्रियों की लंबी लाइन लगी हुई है, जबकि सायंकालीन आरती के समय भी मंदिर परिसर में खूब भीड़ जमा हो रही है। रुद्रप्रयाग के पुलिस अधीक्षक आयुष अग्रवाल ने कहा कि 2 साल कोरोना महामारी के बाद यात्रियों की संख्या बढ़ने की उम्मीद थी। यात्रियों को समय पर दर्शन कराना और यात्रियों को लंबे समय तक लाइन में ना लगना पड़े, ये काफी चुनौतीपूर्ण रहा। यात्रा सीजन की शुरुआत से ही हम लोगों को अंदाजा था, क्योंकि 2 साल से कोविड की वजह से यात्रा प्रभावित रही थी, तो ये पता था कि इस साल काफी अधिक संख्या में यात्री आएंगे, तो उसको देखते हुए हमारे द्वारा वो सुदृढ़ व्यवस्था की गई थी। तो उसी का परिणाम है कि अभी तक हमारी यात्रा लगभग 15 लाख लोग केदारनाथ धाम की यात्रा पर आ चुके हैं, और पुलिस द्वारा इनको बेहतर से बेहतर सुविधाएं देने की कोशिश की गई है। सर, क्या कुछ चुनौतीपूर्ण रहा है इस यात्रा दौरान में आपके सामने? देखिए, ट्रैफिक मैनेजमेंट, क्राउड मैनेजमेंट, ये दोनों ही हमारे लिए बहुत चुनौतीपूर्ण रहे हैं। लगभग 3.5 लाख वाहनों को, क्योंकि बद्रीनाथ और केदारनाथ दोनों धामों की यात्रा रुद्रप्रयाग से यात्री निकलते हैं, तो लगभग 3.5 लाख यात्री वाहन इस पीरियड में जनपद से गुजरे हैं। तो यहाँ की जो पहाड़ के हिसाब से एक बहुत बड़ा चैलेंज था इसमें ट्रैफिक को मैनेज करना। इसके साथ ही डेली लगभग 15 से 20 हज़ार लोग केदारनाथ धाम में पीक सीजन में दर्शन के लिए पहुँचे हैं। सभी श्रद्धालुओं को टाइमली दर्शन कराना, किसी को इनकन्वीनियंस ना हो, बहुत ज़्यादा समय तक उनको लाइन में ना लगना पड़े, तो इसको भी व्यवस्थित करना एक बहुत बड़ी चुनौती थी। इसके अतिरिक्त बीच में, क्योंकि मानसून की वजह से कई बार आपदा संबंधी घटनाएं भी हुई, तेज बारिश हुई जहां पर लैंडस्लाइड भी हुआ, तो उन सभी केसेस में तुरंत कार्रवाई करना, लोगों को इवैक्यूएट करना, रेस्क्यू करना, ये सब भी पुलिस के लिए बहुत बड़ी चुनौती थी। वहीं रुद्रप्रयाग के जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने कहा कि कोविड के बाद यात्रियों की संख्या में बढ़ोतरी होने की पहले से ही उम्मीद थी, जिसके बाद पैदल यात्रा रूट का रखरखाव, पैदल मार्ग पर पानी की व्यवस्था, साफ सफाई की व्यवस्था, टोकन सिस्टम आदि व्यवस्थाएं दुरुस्त की गई, और इसी का परिणाम है कि रिकॉर्ड यात्री केदारनाथ धाम पहुंचे हैं। देखिए, केदारनाथ धाम में चूंकि इस बार एक्सपेक्टेड भी था कि यात्रियों की संख्या में काफी बढ़ोतरी होगी 2 साल कोविड के बाद, तो हमने यही प्रयास किया कि जो मूलभूत सुविधाएं हैं, जैसे कि ट्रैक रूट के जो रखरखाव है, टॉयलेट्स हैं, पीने की जगह हैं, या फिर यात्रियों को बारिश से बचाने के लिए रेन शेड्स हैं, टोकन सिस्टम है, और जो दुकानें वहां लगती हैं केदारनाथ में या पूरे रास्ते में, उनको कैसे व्यवस्थित कर सकते हैं ताकि जो लोकल यहाँ के जो रुद्रप्रयाग जनपद के जो वासी हैं उनको अधिक से अधिक रोजगार भी मिल सके, तो इन सभी को ध्यान में रखते हुए सभी स्टेक होल्डर्स के साथ कार्य किया गया है, और इसलिए यात्रा का सफल संचालन मुमकिन हुआ है। रुद्रप्रयाग से प्रवीण सेमवार की रिपोर्ट।